Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, next question is question number 22. During an experiment, Amit observed that blue color of copper sulfate solution changed to pale green by immersing a metallic rod for some time. Which metallic rod Amit might have immersed in the solution and what color would be observed on the rod? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें एक स्टूडेंट ने कौन सा लिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें एक मेटेलिक रॉड को डिप किया गया, उसके बाद क्या देखा कि उस सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, पेल ग्रीन हो गया। आपको ये बताना है कि आपने कौन सी मेटेलिक रॉड उसमें डिप की। इसमें क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट का पता है हमें कौन से कलर का है, कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर। हमने कोई मेटेलिक रॉड डिप की है उसमें, उसे डिप करने के बाद हमें जो सोल्यूशन मिला वो किसका मिला, ग्रीन कलर का, और ग्रीन कलर का सोल्यूशन किसका होता है, फेरस सल्फेट का। तो यहाँ पर कौन सी मेटेलिक रॉड डिप हुई है, आयरन की। सो आयरन मेटेलिक रॉड, आयरन रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ग्रीन कलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड विच इज FeSO4, कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन रॉड विच इज ब्राउन इन कलर, और जो डिस्प्लेस्ड कॉपर होगा वो किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, उस आयरन रॉड पे। अब आयरन हमारा ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तभी उसने उसे डिस्प्लेस किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर क्या बन गया, फेरस सल्फेट। और ये जो कॉपर था ये कहाँ डिपॉजिट हो गया, उस मेटेलिक रॉड पर। तो यहाँ पर ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।